हे गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई ब्लॉग। और इस वक्त अभी हम लोग झारखंड में बोकारो में हैं। हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहाँ जा रहे हैं। और हमारे साथ ही सभी लोग तैयार हो चुके हैं, इस टाइम रेडी हो रहे हैं हम लोग। रूम की बड़ी गंदी हालत हो रखी है, देख सकते हो आप। और सभी लोग तैयार हो, आनंद सर रेडी हो रहे हैं, सभी रेडी हो गए हैं। सुरेश भैया खोलिए, रूम की हालत बहुत गंदी हो रखी है, ये देख सकते हो आप। पूरा रूम मतलब बॉयज़ लोगों का जहाँ रहें और वहाँ पे अगर सफाई हो तो फिर बात ही क्या है, पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ है। आज जा भी रहे हम लोग यहाँ से, तो पैकिंग वैकिंग सब हो रखी है पूरी, जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं हम लोग। इस भैया हमारे रेडी हुए जा रहे हैं फटाफट, बस रेडी हो गए भैया और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। पैकिंग भी हो गई है हम लोगों की, निकल चुके हैं मंदिर के लिए और समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगली जगह पे भी लोगों को मूव करना है और गाड़ी हमारी आगे ही खड़ी। अभी इस टाइम वॉशिंग चल रही है होटल में, पूरा गीला पड़ा हुआ है यहाँ पे और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारा होटल है। तो फाइनली अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं और रास्ते में हैं। आप देख सकते हो ये रांची रोड पे पड़ता है, जब आप बोकारो से रांची रोड पे जाएंगे और आगे से ये कट मत भूलिएगा क्योंकि हम लोगों से भी रास्ते में भूल हो गई थी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, जो आपका बोकारो का स्टेशन है हम लोग वहाँ उधर साइड निकल गए थे। तो अंदर ये मार्केट से आपको अंदर जाना है, ये बीच में आपको मार्केट मिलेगा। मार्केट से जब आप अंदर जा रहे होंगे तो आपको 2 से 3 चौराहे पड़ेंगे। सबसे पहला चौराहा पड़ेगा जहाँ पे आपको मिलेगा वेलकम टू बोकारो। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है ये जगह पे, यहाँ पे आप अपना सेल्फी वगैरह भी खिंचा सकते हैं। और जैसे ही आप आगे जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये रोड मिलेगी, स्ट्रेट जाना है आपको, कहीं पे भी नहीं मुड़ना है। आप मैप भी लगा सकते हैं, मैप की मदद से आप पहुँचेंगे। और ये दूसरा चौराहा है जिसको आप क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे और आगे से आपको टर्न भी लेना होगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी बोकारो स्टील सिटी है, जहाँ पे आपको स्टील वगैरह की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से जब फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से टर्न ले रहे हैं मंदिर के लिए, और सबसे अच्छी जगह ये है कि यहाँ पे मंदिर में सबसे अच्छी जगह ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी इजली खड़ी कर सकते हैं। सो फाइनली पहुँच गए हम लोग मंदिर। हेलो सर, साथ में हम लोगों के पूरी टीम आई हुई है, हम लोग सुरेश भैया और उधर साइड आनंद सर हैं, है ना। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर। तो फाइनली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शूज़ वगैरह को प्रॉपर उतारने के लिए एक स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपने शूज़ स्लीपर्स वगैरह उतार सकते हैं। और ये मंदिर का पूरा व्यू है जहाँ से आप देख सकते हैं, मंदिर का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है यहाँ पे आने के बाद में। और यहाँ से हमारा एंट्री गेट है, एक ये मैसेज लिखा हुआ है बट समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ड्रॉ किया है, जिस तरीके से जगन्नाथ मंदिर के जो गेट को डिज़ाइन किया गया है उसमें अपनी ही एक कलाकारी है। तो आइए, हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहां से आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं मंदिर का। और यहां पे हम आगे जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं मतलब अंदर आने के बाद जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। और यहाँ से हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं जगन्नाथ बाबा के। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ की कलाकारी को आप देखिए साथ ही साथ कि कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। तो ये अंदर चल रहे हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन परमिशन के द्वारा हम लोग बातचीत करके पूछ के गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप कान्हा जी के भी दर्शन करिए। और दर्शन करने के बाद में जब हम मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो सबसे पहले माता का मंदिर मिलेगा। हेलो सुरेश भैया, यहाँ पे माता का मंदिर मिलेगा और आइए हम माता के दर्शन करते हैं।
यहाँ पे आपको सभी देवी देवता के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। ये नवग्रह मंदिर है जहाँ पे सारे 9 के 9 ग्रह हैं। यहाँ पे आपको नवग्रह मंदिर मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी जो ग्रह दशा है उसके लिए आप यहाँ पे मनोकामना कर सकते हैं, यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं अगर आप सच्चे दिल से अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। अपने ग्रह दशा शांत करवाने के लिए यहाँ पे पूजा वगैरह अगर करवाते हैं तो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे सूर्य देवता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है और चारों तरफ गार्डनिंग है तो हरा भरा माहौल होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आपकी एकदम कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी आसपास भी आपके नहीं भटकती है, आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे आने के बाद में। तो फाइनली हम लोग यहाँ सूर्य देवता के मंदिर में पहुँच गए हैं और यहाँ पे आइए हम दर्शन करते हैं सूर्य देवता के। हिंदू धर्म की मान्यता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपने हमेशा देखा होगा और सुना भी होगा कि लोग नहाने के बाद में सूर्य देवता को अर्घ यानी कि जल अर्पित करते हैं, तो यहाँ पे आप सूर्य देवता के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप कभी भी कहीं जा रहे हों और अगर आपके सामने कोई मंदिर पड़ गया हो और अगर आप उस मंदिर में नहीं जा सकते हैं और आप उस मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश, लेकिन अगर आपने उस मंदिर के ध्वज को आपने प्रणाम कर लिया या आपने ध्वज के दर्शन कर लिया और अगर आपने उसको सच्चे दिल से प्रणाम किया है तो आपको उस मंदिर में जाने का फल प्राप्त होता है। तो आप कभी भी किसी भी मंदिर के ध्वज को देख के बाहर से अगर आप प्रणाम करेंगे यानी कि आपको उस मंदिर के पहुंचने के बाद का फल आपको प्राप्त होता है। हम जगन्नाथ मंदिर का पुजारी है। ये मंदिर 2000 में शुरू हुआ था, जगन्नाथ मंदिर बुखार वाला जगन्नाथ मंदिर, और 2004 जनवरी 18 को मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था और सब लोग का सहयोग से मंदिर बना है। और इसका कमेटी है, पहले उड़ीसा का लोग जो BSL में नौकरी करते थे उन लोग कमेटी बनाकर मंदिर को बनाए थे और उड़ीसा का कारीगर लोग आकर मंदिर को बनाकर चले गए थे। पंडित जी से मंदिर की जानकारी लेने के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ हनुमान मंदिर में और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आगे आप देख सकते हैं हनुमान जी की कितनी सुंदर छवि है। अब हम लोग पहुंचते हैं सिद्धि विनायक मंदिर यानी कि गणेश जी के मंदिर में। कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, तो आइए हम लोग गणेश जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले गणेश जी के ही दर्शन किए थे बट दिखाना आप लोगों को भूल गया था, उसी से आगे लगा हुआ भोले बाबा का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं बाबा के। इस मंदिर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है यहाँ का हरा भरा माहौल, चारों तरफ की यहाँ की हरियाली, जो यहाँ का एक सबसे पॉजिटिव एयर है यहाँ की। और यहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे एक सरोवर है जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर ये आपका बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे इसका स्थापना दिवस वगैरह है सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे छठ पूजा वगैरह भी की जाती है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हमारा ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले।